ये जो खुदाई में नगर के नगर बसे हुए मिल जाते हैं, या फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो श्रावस्ती के हजारों खुदाइयां इस भारत देश में हुई हैं, उसमें बहुत सारे नगर बसे के बसे मिल गए हैं, और वहां कभी कभी कुछ नगरों में एक भी मानव के अवशेष नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि ये सारे नगर या कुछ नगर हमारे ही मानव की कुछ अन्य प्रजातियों जैसे कि नियंडरथल आदि ने इन नगरों का निर्माण किया हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बचपन से हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में ये बात पढ़ी है कि मानव का विकास बंदरों जैसी प्रजाति से हुई है, लेकिन यह बात उतनी सही नहीं है, क्योंकि यदि हमारा विकास मानव जैसे किसी जीव से हुआ होता तो अब तक बंदरों की लगभग सभी संख्या या बंदरों की सभी प्रजातियां मानव के रूप में परिवर्तित हो चुकी होती। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उस पूर्वज की जो वास्तव में मानव का जनक है। वैज्ञानिक आधार पर मानव का क्रमिक विकास हुआ है। इस क्रम में सबसे पहला नाम होमो हैबिलिस का आता है, और यह वो प्रजाति है जो चार पैरों पर चलती थी। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल, उसके बाद डेनिसोबेंस, होमो फ्लोरासिस, होमो निलेडी और फिर होमो सेपियंस का नंबर आता है। दोस्तों, सबसे रोचक बात यहाँ पर यह है कि जो मानव की 7 प्रजातियां मैंने अभी आपको बताई हैं, किसी न किसी समय पर इस पृथ्वी पर ये 7 प्रजातियां इस पृथ्वी पर एक साथ रहा करती थी। आज जिस शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि ये हमारे किसी प्राचीन मानव प्रजाति में से एक रहे हैं। लेकिन एक समय इस पृथ्वी पर ऐसा आया जब मानव की सारी प्रजातियां इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए संघर्षशील हो गई, और जो प्रजातियां इस जीवन संघर्ष में सफल हुई वो शेष बची, और जो इस जीवन संघर्ष में परास्त हो गई या जो इस जीवन संघर्ष में फेल हुई वे धीरे धीरे समाप्त हो गई। दोस्तों, उस जीवन संघर्ष में वेस्टर्न कंट्रीज का कुछ दल, स्पेशली ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं कि होमो सेपियंस का कुछ दल ने नियंडरथल्स को मारा और उनको ढूंढ ढूंढ कर इस पृथ्वी से समाप्त किया गया। हो सकता है पृथ्वी के किसी कोने में आज भी मानव की प्राचीन प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां आज भी इस पृथ्वी पर रहती हों, उसके बारे में किसी को कोई तथ्य आज तक ज्ञात नहीं है। ये जो खुदाई में नगर के नगर बसे हुए मिल जाते हैं, या फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो श्रावस्ती के हजारों खुदाइयां इस भारत देश में हुई हैं, उसमें बहुत सारे नगर बसे के बसे मिल गए हैं, और वहां कभी कभी कुछ नगरों में एक भी मानव के अवशेष नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि ये सारे नगर या कुछ नगर हमारे ही मानव की कुछ अन्य प्रजातियों जैसे कि नियंडरथल आदि ने इन नगरों का निर्माण किया हो। आगे के वीडियोस में हम नियंडरथल के बारे में बृहद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका मित्र वैद्य शिव कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।